इंडिया 100% जीतेगा, पाकिस्तान हारेगा। पाकिस्तान का पूरा वही उड़ा देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जीतेगा तो इंडिया ही। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। दुबई में होने वाला यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों का सुपर 12 राउंड में यह पहला मैच है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत से लेकर दुबई तक भारतीय टीम के प्रशंसक टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दुबई की है, जहां भारतीय टीम के प्रशंसकों ने टीम इंडिया की जीत के लिए शंखनाद किया। दूसरी तस्वीर दुबई की है, जहां भारतीय प्रशंसकों ने मैच से पहले तिरंगा फहराया। तीसरी तस्वीर यूपी के कानपुर की है, जहां टीम इंडिया की जीत के लिए हवन किया गया। चौथी तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां बच्चों ने टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। पांचवी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पूजा पाठ किया गया। और छठी तस्वीर वाराणसी की है, जहां पाकिस्तान को एक बार फिर विश्व कप में मात देने के लिए गंगा आरती की गई है और दिए जलाए गए हैं। पूरे देश में टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारत पाकिस्तान महामुकाबले को लेकर पूरे देश में किस तरह का माहौल है। जोश, जुनून, जज्बात सब अपने चरम पर है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की टीमें जब भी मैदान में सामने आती हैं तो ये सिर्फ एक मैच नहीं रह जाता है, युद्ध जैसा माहौल हो जाता है। 22 गज की पिच रणभूमि में तब्दील हो जाती है। बैट और गेंद से एक दूसरे पर वार और पलटवार शुरू हो जाता है। और इस मैच पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए हैं। हमारे साथ किरण मोरे, टीम इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर, विकेटकीपर बल्लेबाज, टीम इंडिया के पूर्व कोच लालचंद्र राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। इनके साथ हम मैच के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। साथ में आपको बता दें कि हमारे साथ अमृत आनंद दुबई से लाइव बने हुए हैं, दिवाकर सिंह कांदीवली मुंबई से बने हुए हैं, वो वहां का माहौल बताएंगे। अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ में शक्ति कपूर एक्टर ये भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। अमृत, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। पाकिस्तान ने तो ऐलान कर दिया है अपनी प्लेइंग 11 का, 12 खिलाड़ी घोषित कर दिए हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आज क्या रहने वाली है, क्या खबरें सामने आ रही है? देखिए, वो प्लेइंग 11 आज अनाउंस करे, कल अनाउंस करे, परसों अनाउंस करे, नहाना तो उनको पक्का ही है, क्योंकि यूएई में नारा लग चुका है जीतेगा तो इंडिया ही। और रवि, आपके साथ जो दो बड़े दिग्गज स्टूडियो में जो मौजूद हैं, किरण मोरे सर एंड लालचंद राजपूत जी, ये बेहतर ही मुझसे ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन जो मेरे टीम प्लेइंग 11 है उसमें मुझे हार्दिक पांड्या की एक जगह बनती नजर आ रही है। मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि वो ऐसे फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन तो अच्छे हैं ही, कभी भी वो पावर हिटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रूशियल टाइम में, हालांकि पहले ही कहा जा चुका है, विराट कोहली ने कह दिया है कि अगर 1-2 ओवर की जरूरत पड़ी तो हार्दिक पांड्या उस समय की पर्सन साबित हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को जगह मिल सकती है। लेकिन जो एक मिस्ट्री स्पिनर हमारे साथ चक्रवर्ती हैं, उनको जगह मिलेगी या क्या करेंगे विराट कोहली, ये सस्पेंस बना हुआ जरूर है। लेकिन बेहतर जवाब शायद किरण मोरे या लालचंद राजपूत देंगे। वहां से साफ तौर से किरण मोरे, जिस तरह से प्लेइंग 11 को टीम इंडिया में पसोपेश हार्दिक पांड्या पे फंस रहा है, क्योंकि वो बल्लेबाजी तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। ये रिस्क लेंगे विराट कोहली हार्दिक पांड्या को खिलाने का? देखो बिल्कुल, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी है जो ये इंडियन टीम को जो चाहते हैं कि फिनिशर, तो दुनिया में कितने फिनिशर्स हैं, एक किरण पोलार्ड है, हार्दिक पांड्या है, एबी डिविलियर है, तो ये जो फिनिशर्स है, रसल्स है, तो ऐसे फिनिशर्स जो होते हैं बहुत कम मिलते हैं आपको। तो आपके 10 बॉल में आपको 30 चाहिए, 40 रन चाहिए, तो ये बना सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या की बिल्कुल टीम में जगह बनेगी। और मैं चाहता हूँ कि जो हम इंडियन टीम की जो आप 11 में जो बात कर रहे थे अमृत, तो मुझे लगता है 3 फास्ट बॉलर हमारे खेलेंगे, जो है मोहम्मद शमी है, बुमराह है, शार्दुल ठाकुर एक ऑलराउंडर की तरह वो भी खेल सकते हैं, और उसके बाद आपके दोस्त वरुण चक्रवर्ती है, जडेजा है, उसके बाद आपकी बैटिंग लाइनअप जो आपके रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, आपका सूर्य यादव एंड ऋषभ पंत, तो ये आपकी 11 मुझे लगती है टीम की बनेगी। तो ये अच्छा बैलेंस देती है आपको, टीम के बॉलिंग भी अच्छी है, और उसमें आपको शायद कभी देखने मिलेगा हार्दिक पांड्या भी गेंदबाज सरप्राइज दे सकते हैं आपको। और हार्दिक पांड्या के हमेशा में एज ए बल्लेबाज भी T20 फॉर्मेट में टीम में बैठते हैं, और वनडे क्रिकेट में भी नहीं। लेकिन सवाल यही ना लालचंद राजपूत साहब, कि अगर हार्दिक पांड्या टीम में खेलेंगे, बॉलिंग वो कर नहीं रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कि एक बॉलर की कमी फिर खलेगी ना अगर वो टीम में होंगे तो? मुझे नहीं लगता, बिकॉज हमारे पास जो 5 बॉलर है उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। देखो, वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर 4 ओवर डालेंगे। वरुण चक्रवर्ती को रख रहे हैं, अश्विन को रख रहे हैं आप? मैं तो वरुण चक्रवर्ती को रखूंगा। और जडेजा है, वो काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं अभी IPL में, वो तो 4 ओवर डालेंगे। और बुमराह, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है क्योंकि वो 4 ओवर डालते हैं। मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर। देखो, शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी अच्छे करते हैं और बॉलिंग भी। अभी आपने IPL में देखा चेन्नई को, उसने काफ़ी अच्छा डेथ ओवर में बॉलिंग डाली। तो बॉलिंग में मुझे नहीं लगता है कि इतना आएगा कि यस, T20 में एक बॉल को कभी मार पड़ती है, लेकिन उन लोग ऑलवेज कम बैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बॉलिंग में कोई और जैसे कि हार्दिक पांड्या की बात की कि वो तो फिनिशर है, और आप बैंक करो जो फिनिशर जैसे ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या और उसके साथ ही साथ जडेजा। आपको अगर 10 बॉल में 30 रन चाहिए तो आप इनके ऊपर बैंक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी वेल बैलेंस टीम है। देखा जाए तो टॉप 3 बेहतरीन, मिडिल ऑर्डर, फिनिशर और बॉलिंग, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। चाहे टॉप ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, या फिर गेंदबाजी अटैक की बात करें, दुनिया में सबसे बेहतरीन इस वक्त नजर आ रहा है। सीधा रुक कर लेते हैं अहमदाबाद का जनक दवे, हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, जरा बताएं, आपके साथ जो क्रिकेट फैन मौजूद हैं वो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को शामिल होने की बात कर रहे हैं, उन्हें क्या उम्मीदें हैं, माहौल क्या है, जरा दिखाएं। बिल्कुल, देखिए रवि, एक मिनट, देखिए रवि, जो आपने सवाल अमृत से पूछा था कि प्लेइंग 11 में कौन होने चाहिए, मैं आपको तस्वीर पोस्टर्स दिखा देता हूं, फोटो, जहां पर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन प्लेयर। देखिए, एक आम अपना क्रिकेट प्रेमी है उसकी समझ देख ले, रविंद्र जडेजा है, बुमराह है, विराट कोहली है, ओपनर के तौर पर रोहित है। तो ये आपको दिख रहा है कि आधी प्लेइंग 11 तो यहाँ जो स्ट्रीट पे कोने पे बैठे लोग भी हैं वो भी बता देते हैं। लोगों से पूछते हैं क्या होगा आज का प्लेइंग 11 आपकी ना कंडीशन। आज प्लेइंग 11 में KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जाडेजा, बुमराह वगैरह वगैरह हो गए। और मैं आशा रखता हूँ कि आज की मैच जबरदस्त होएगी और पूरी वर्ल्ड में उसका रिकॉर्ड बनेगा। और आज तक इतिहास गवाह है कि आज तक कभी भी पाकिस्तान जीता नहीं है। पाकिस्तान के सामने अपना जो भारत का पलड़ा है वो भारी रहा है। आपके हिसाब से प्लेइंग 11 कौन सा होना बेहतर है, अगर कॉम्बिनेशन ऑलराउंडर की बात की जाए या बॉलर? भारत की ओर से देखा जाए तो विराट कोहली से लेकर बुमराह तक सभी खिलाड़ी आज उम्दा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान किस तरह भारत को परेशान करता है सरहद पर। आज उन्हीं क्रिकेट के सरहद पर भारत फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दे देगा। बिल्कुल, तो 7 प्लेयर तक यहाँ पर जो भी लोग हैं बिल्कुल देख रहे हैं हम क्रिकेट फैंस में भी यहाँ पर पूरी तरह से युद्ध